अगर आप मथुरा में हैं या कृष्ण की नगरी घूमने आए हैं तो जरा संभल कर रहिएगा। क्या पता किस मोड़ पर बवाली बंदर आपका इंतजार कर रहे हों। मथुरा के लोग बंदरों से हलकान हैं। आलम यह है कि बंदर आए दिन किसी ना किसी को अपना शिकार बना रहे हैं। दरअसल इन दिनों मथुरा में बंदरों का झुंड किसी ना किसी को अपना शिकार बना रहा है। बंदरों के आतंक की एक तस्वीर फिर तब देखने को मिली जहां कॉलेज जा रही छात्राओं पर बंदरों के झुंड ने हमला कर उसे घायल कर दिया। वहीं हमला करते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल हो रही तस्वीरें मथुरा के शहर कोतवाली इलाके के खजानी वुमेन पॉलिटेक्निक के समीप पास की है। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि यहां सड़क से जा रही छात्राओं पर बंदरों का झुंड ने हमला कर दिया। हमले का यह पूरा वीडियो सड़क पर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो चुका है। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि छात्राओं पर अचानक हुए हमले में एक छात्रा का बैग गिर गया और दोनों खुद को बचाने के लिए दौड़ लगा दी, लेकिन फिर भी बंदर उनका पीछा नहीं छोड़ रहे और उन्हें घायल कर दिया। जिले में आलम यह है कि सिर्फ छात्राएं ही नहीं, हर आम और खास बंदरों के आतंक से हलकान है। सीसीटीवी में कैद ये तस्वीरें साफ बयां करती हैं कि बंदरों का आतंक इस कदर बढ़ता जा रहा है कि लोग बंदरों की वजह से घर से निकल नहीं पा रहे हैं। गली मोहल्ले में अकेले शख्स को देखकर बंदर हमलावार हो जाते हैं। यह तस्वीरें इस बात की गवाह हैं कि बंदरों का आतंक मथुरा में चरम सीमा पर पहुंच गया है। लोग बार बार शासन प्रशासन से बंदरों के आतंक पर अंकुश लगाने की गुहार कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। क्या नाम है आपका? शिप्रा राठी। बंदरों का आतंक मथुरा में काफी बढ़ रहा है, इस बारे में क्या कहना है आपका? बंदरों का आतंक तो बस पूछिए मत, समझ में ही नहीं आता है कि करें कैसे और कैसे समस्या का समाधान करें। हम जिस एरिया में, ये स्टेट बैंक के पास है, पहले जब उन्होंने अपना इंस्टीट्यूट शुरू किया था तो 5-7 बंदर होते थे, वो भी कभी कभार लेट इवनिंग में या सुबह जल्दी दिखते थे। आज हालत ये है कि हमेशा सड़क पे 15 से 20 बंदर घूमते ही रहते हैं और इतनी बेकार हालत कर रखी है कि दो लोगों को हमेशा डंडे के साथ बाहर खड़ा करना पड़ता है जब हमारे बच्चों का बैच जाता रहता है। उसके बाद भी एक बंदर तो इतना खतरनाक है कि वो जबरदस्ती आके महिलाओं पे, युवतियों पे हंगामा करता है, उनकी चुन्नी खींच लेता है और अड़ोस पड़ोस में आने वाली महिलाओं को परेशान करता है। सामने भी एक इंस्टीट्यूट है, बगल में भी एक इंस्टीट्यूट है, रोज एक ना एक घटना इस क्षेत्र में हो रही है जिसमें बच्चे की या आने जाने वाले की कोई गलती नहीं होती और बंदर पीछे से आके हमला करता है। 3-4 दिन पहले एक लेडी को इतनी तेज काटा कि उसको फोन एडमिट कराना पड़ा। परसों एक हमारे यहाँ सज्जन केवल मिलने आए थे, वो बाहर जैसे ही ऑफिस से निकले उन पर हमला कर दिया, उनका पूरा हाथ यहाँ से घायल कर दिया। कंडीशन ये है कि अब एयर गन तक लखनी पड़ रही है क्योंकि हम नहीं चाहते कि किसी को नुकसान हो, हम ये भी नहीं चाहते बंदरों को नुकसान हो, पर सुरक्षा तो हमारी दायित्व है। जो बच्चे हमारे पास आते हैं, जो स्टूडेंट्स आते हैं या जो इस गली में लोग आते हैं, बगल में 2 लॉजेस हैं जिनमें इतने सारे टूरिस्ट आते हैं, परसों उनके बच्चे को परेशान करता, तो बहुत बहुत हालत ख़राब है बंदरों की। और कोई टाइम ऐसा नहीं होता, दिन का कोई समय ऐसा नहीं होता जब वो सड़कों पे ना बैठे। एक बार मथुरा योगी जी आए थे, योगी जी ने कहा था बंदर को भगाने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, उस बारे में क्या कहना आपका? सर, बंदर नहीं भागते हनुमान चालीसा के पाठ से, उस टाइम ना पाठ याद भी नहीं आता है। संकट मोचक हनुमान जी ना आजकल संकट का कारण बन गए हैं हमारे लिए। तो नगर निगम द्वारा बंदर पकड़ने का या जिला प्रशासन द्वारा कोई अभियान चलाया गया है इस बारे में? सर, मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, मैं मेयर साहब से मिली थी अपनी समस्या को लेके, तो मेयर साहब ने कहा था कि बहुत जल्दी हम लोग एक प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं। और मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है, मेरी नहीं, मैं बहुत स्कूल्स के, बहुत टीचर्स के, सबके टच में आती हूँ, बहुत स्टूडेंट्स के भी टच में रहती हूँ, सभी समस्या से बहुत ग्रसित है कि एक मंकी सेंचुरी होनी चाहिए जहाँ पे इन बंदरों को भेज दिया जाए। क्योंकि आम जनता बहुत त्रस्त है, पहले बंदर हमलावर नहीं थे पर अब मथुरा के बंदर बहुत ज़्यादा आतंकी हो गए हैं और बहुत जल्दी किसी पे भी हमला कर देते हैं। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।